हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग को प्रूव करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग को टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 प्रूव करना है। तो उसको सीखने के लिए दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज को पता होना चाहिए। तो मैं समझ के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक आता होगा। उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ, अगर आपको बेसिक ना भी पता हो तब भी आप इसको समझ लें। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात कर लेंगे जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बेसिकली दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले एक है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और दूसरा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 वाले पोर्शन को उठाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप देखिए, हम टैन को उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 1 को इधर ले आए तो निगेटिव में हो गया, और टैन को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, सो इट बिकम टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर भी टैन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे। ओके, तो अभी हम लिख लेंगे, पहले हम लोग कॉट स्क्वायर का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लें। तो अब हमें लेना है कॉसेक स्क्वायर थीटा को और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को। तो हम ले लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेम प्रोसेस करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो वो निगेटिव में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कॉट उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, सो इट बिकम कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन मिल गई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये प्लस का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 2 में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, तो अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1 अपॉन का कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो इसको 1 अपॉन का साइन थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन का सेक थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से अगर सेक थीटा लिखा है तो उसका जस्ट उल्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर साइन थीटा है तो इसको 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, और इसी तरह से अगर 1 अपॉन साइन थीटा है तो कॉसिक थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉस और सेक में रिलेशन ये है कि कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 अपॉन का कॉस थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हमारे लगा रहे क्योंकि यहाँ पर जो सेक है वो स्क्वायर में है। ओके, अगर क्यूब में तो क्यूब में लगाते, और नीचे वाली ये आ जाएगा कॉसेक है तो नीचे वाली चेंज होगी, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, और ये हल्का माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, लेना है एलसीएम इन दोनों का। जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अब देखिए साइन स्क्वायर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ओके तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे वन लिख देंगे। ये आपको दिख रहा है ये चीज ओके इनकी जगह पे हमने यहाँ पर वन लिख लिया है ओके इसकी जगह पे मैंने वन लिख दिया है और अपॉन का नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है तो जब ये ऊपर हम भेजेंगे कॉस को तो ये चेंज हो जाएगा आपका सेक में तो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा नीचे वाले इसको ऊपर करेंगे तो हम ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा में और ये माइनस का टू। और इस तरह से दोस्तों आपका जो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू है वो एलएचएस के इक्वल आ गया है आरएचएस के इक्वल आ गया है और ये आपका रहा आरएचएस दोनों क्या हो गए प्रूफ हो गए। तो इस तरह से दोस्तों प्रूफ करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सिंपली ये प्रूविंग समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल लगी होगी किस ना सा कुछ क्रेडिट आपकी आप स्टडीज़ में ऐड कर रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव मैथ्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गुड बाय।